शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने पर त्यागी समाज के लोगों ने श्रीकांत त्यागी प्रकरण में नोएडा सांसद महेश शर्मा व सपा प्रवक्ता सुनील यादव साजन द्वारा त्यागी समाज के ऊपर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर कड़ा रोष जताते हुए इस मामले में श्रीकांत त्यागी के परिजनों से न्यायोचित व्यवहार करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि विगत दिनों नोएडा में घटित श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर जनपद के त्यागी बाहुल्य क्षेत्रों में काफी उबाल है तथा त्यागी समाज इस प्रकरण के चलते कहीं पदयात्रा का आयोजन कर रहा है तो किसी गांव में भाजपा नेताओं के प्रवेश को ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जनपद के त्यागी समाज के लोगों ने नोएडा सांसद महेश शर्मा व सपा प्रवक्ता सुनील यादव साजन द्वारा त्यागी समाज को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर कड़ा रोष जताते हुए इस मामले में श्रीकांत त्यागी के परिजनों को प्रताड़ित नहीं किए जाने की मांग करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। त्यागी समाज का कहना था कि वह श्रीकांत त्यागी द्वारा किए गए कार्य के कतई पक्षधर नहीं है, लेकिन इस मामले में भाजपा सांसद के साथ साथ सपा प्रवक्ता द्वारा त्यागी समाज पर की गई टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी द्वारा किए गए कृत्य की सजा उसे न्यायपालिका द्वारा दी जाएगी, लेकिन श्रीकांत त्यागी के कारण उसके परिजनों को प्रताड़ित करना कतई न्यायोचित नहीं है। अतः वह सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में त्यागी समाज के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के अलावा श्रीकांत त्यागी के परिजनों को भी अनावश्यक रूप से प्रताड़ित न करे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए त्यागी समाज के अध्यक्ष हरिओम त्यागी ने बताया, आज का जो धरना प्रदर्शन है या त्यागी समाज मुजफ्फरनगर की तरफ से रखा गया है यहाँ, और ये जो हमारे त्यागी बरादरी के लिए अपशब्द बोले गए हैं कुछ पार्टी के लोगों के द्वारा, जैसे सांसद हैं नोएडा के और समाजवादी के वो प्रवक्ता हैं, उन्होंने समाज के लिए उलझुल जो बातें की गई हैं ये उसके विरोध में है। और जो श्रीकांत त्यागी जी के साथ जो कार्रवाई की गई है, हालांकि हम समर्थन नहीं करते उनका, श्रीकांत जी का हम ये समर्थन नहीं करते कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या ऐसा करें, नहीं, महिला माँ और बहन हमारे भी है, महिला शक्ति है, उसने हमें जन्म दिया है और उन्होंने किया है तो उसकी सज़ा उन्हें कानून देगा, और उनके हिस्से में जितनी सज़ा आती है उसके लिए न्यायपालिका है। एक मेरी पुलिस से भी अपील है कि वो खुद न्यायपालिका का काम ना करें, ठीक है, न्यायपालिका के ऊपर छोड़ दें। और जिन लोगों ने हमारे समाज के लिए अपशब्द बोले हैं, जैसे वो सुनील साजन हैं इसके समाजवादी के, उन्होंने खुलतम मीडिया के ऊपर आकर ये कहा है कि त्यागी बरादरी इस तरह की होती हैं, मैं कह भी नहीं सकता इतने गंदे शब्द, तो हम उनका विरोध करेंगे पूरा। आज मैंने अपनी बिरादरी भाइयों से ये निवेदन किया है कि हम किसी भी पार्टी के बोर्ड इस तरह से ना लगाएं कि हम गाँव में उन्हें नहीं घुसन देंगे, उनका विरोध करते हैं। हम केवल उनका विरोध करेंगे जो हमारे भाई किसी भी पार्टी में आज पदों पर हैं, MLA हैं, MP हैं, मंत्री हैं, या गांव के प्रधान हैं, या कुछ भी हैं किसी भी पार्टी से जिनके पास जो पद है, और वो आज अपनी बिरादरी के साथ नहीं खड़े हुए हैं, उनका विरोध होगा, उन्हीं के बोर्ड लगेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई योगी सरकार कर रही है निरंतर, ठीक है जी, लेकिन वही एक कहावत है कि मूली चोर को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है। मैं कह रहा हूँ बाबा जी का बुलडोजर घूम रहा, बड़े बड़े माफियाओं पर घूम रहा, श्रीकांत कोई बड़ा माफिया नहीं है, लेकिन उनका बुलडोजर उसके ऊपर भी ऐड आया। तो मेरा ये कहना है, हमारे यहाँ एक कहावत है, बुजुर्ग कहते हैं कि मूली चोर को फांसी की सज़ा नहीं दी जाती, अगर कोई भूखा है और उसने रोटी चुरा ली है किसी होटल से और पुलिस ने उसे पकड़ लिया, रोटी बरामद कर ली, क्या उस पर धारा 411 थोड़ी लगाई जाएगी? बरामदगी नहीं लगाई जाती है, कहीं नहीं लगी आज तक भी, जबकि वो भी चोरी है, बरामदगी भी है, लेकिन कुछ धाराएं ऐसी होती हैं कि छोटे काम बड़ा हो जाता है और पुलिस भी प्रशासन भी उन पर उन धाराओं का प्रयोग नहीं करता। हमारी बस मांग ये है कि जो श्रीकांत ने किया है उसे न्यायपालिका जो है उसका करेगी न्याय। जो आज हम मिलेंगे, कल या परसों में मिलेंगे, तबीयत हमारी ख़राब है, कमिश्नर से मिलेंगे नोएडा, और जो उसके बच्चों को राहत देने की बात करेंगे।